क्या करें, मुझे तो पता ही नहीं। भारत की नदियाँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्या चीज़ है? हाँ बिल्कुल सिंपल सा, सबसे आसान टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा है, सबसे आसान टॉपिक है। भारत तो पहले तो मैं इसमें बांट देता हूँ भी, नदियों को पढ़ेंगे कैसे, वही आपको एक दिन तो क्लास लगाई थी ना, लेकिन वो गोल हो गया होगा आपकी। ये डायग्राम बना लेना पहले तो। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इसे डायग्राम से हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे आपको भौतिक प्रदेश के 6 पॉइंट लिखाए थे, 6 पॉइंट को 13-14 घंटे चला दिया, बस इसी प्रकार एक आपको ये एक डायग्राम बताऊंगा, उसी को कर लेंगे अपने। अब पता नहीं कितने दिन में पूरा होगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीप। आप प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप भारत की नदी, क्या होता है प्रायद्वीप? जिसके चारों ओर पानी हो। वाह, आंतरिक प्रवाह की नदियां। और कोई महानुभाव है कोई? अच्छा, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंदर अपने 3 हिस्सों में बांट लेंगे इसको। दिख रहा है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो उसके बाद में गंगा नदी तंत्र। मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ, गंगा नदी की बात नहीं कर रहा, पहले सुन लेना। तंत्र और नदी में फर्क होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी। ये तो जो नदियाँ पड़ेंगी जो हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र पूरी नदी निकलती है, इसके सहायक नदियाँ निकलती है, उसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहेंगे। गंगा निकलती है, उसकी सहायक नदियों को गंगा नदी तंत्र कहेंगे, और जो सिंधु निकलती है, उसकी सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानेंगे। प्रायद्वीप भारत की नदियों में क्या पड़ेंगे अपने? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। ये मुख्य नदियां पड़ेंगे तथा इसकी सहायक नदियों को साथ ही कवर कर लेंगे। इसके बाद में आंतरिक प्रवाह की नदियों में क्या कुछ पड़ेंगे? गग्गर, रूपारेल, रूपनगढ़, कांकनी, कांतली,
हाँ राजस्थान की नदियाँ भी आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। अच्छा ये जब अपने डायग्राम पूरा पढ़ लेंगे तो आपकी नदियाँ पूरी हो जाएगी। हाँ अब ये पता नहीं है डायग्राम कब तक पूरा होगा। ये जब अपने नदियाँ पढ़ लेंगे इतनी सारी तो आपका पूरा का पूरा नदियों का सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कांकनी के बाद में कांतली। कांकनी नदी जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है राजस्थान के भुज झील जैसलमेर जिले के भुज झील से उद्गम होता है मिट्टा खाड़ी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की आंतरिक पुराई की सबसे छोटी नदी है। कांतली नदी का उद्गम झुंझुनू से होता है खंडेला की पहाड़ी से मंडेला में विलुप्त हो जाती है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान की आंतरिक पुराई की सबसे लंबी नदी है। अजमेर चिड़िया टुक पे तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहाँ से कोई नहीं होता। लूणी नदी निकलती है क्या? नहीं देखा पहाड़ियाँ नहीं दिखी कहाँ पे नहीं देखी? तो अजमेर छोटा सा कमर चिड़िया थोड़ी आपको दिख जाएगा बहुत बड़ा है। कहाँ पे? अजमेर में ठंड नहीं है तो मैंने किसने बोला था ठंड है वहाँ पे? नदी निकलती कैसे है? पहाड़ियों से निकलती है। पहाड़ियों जमीन से आता है। हाँ नलके ऊपर मोटर लगी हुई है वहाँ पे चलेंगे कभी देखेंगे। क्या चीज़? अरे पहाड़ियों से हिमालय से नदी निकलती है ग्लेशियर पिघलने से और पहाड़ियों से निकलता है नीचे से पानी। हाँ नीचे से पानी निकलता है यहाँ से नीचे से उद्गम निकलता है जो पहाड़ियाँ होती है उसके नीचे से बीच में से अपने आप निकलता है। बिल्कुल अपने आप निकलता है। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर तो गर्म झरने भी है गर्म पानी निकलता है वहाँ से। गर्म झरने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर गर्म पानी निकलता है वहाँ से। ठीक है ताप्ती। इसके अलावा यहाँ पे आपको माही नदी इंपॉर्टेंट दो नदियाँ रहेगी 6-7 पे। यहाँ पे एक माही नदी भी लिख लेना। माही नदी भी करवा दूंगा मैं आपको। माही और लूणी नदी रहे। हाँ नहीं आंतरिक में नहीं इसके प्रायद्वीप में लूणी नदी माही लूणी ये और कर लेना। तो हो गया यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तो ऊपर हिमालय से जितने ऐसे सुनना ये अपना खूबसूरत सा भारत हुआ। बताइयो जनसंख्या में टॉप करके 142 करोड़। 142 करोड़ आप सभी के कठिन परिश्रम से जनसंख्या भारत की 142 करोड़ हो चुकी है। क्या? अच्छा आपके सोगनी अभी कल किसी ने स्टेटस लगा रखा था भारत के सभी नागरिकों के कठिन परिश्रम से भारत की जनसंख्या टॉप कर चुकी है। अरे सबसे बड़ी समस्या ही है जनसंख्या बढ़ना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। देखो एक बार मेरे को याद आ रहा है अभी भी 2020 के अंदर मैं कोचिंग करा करता था। 2020 के अंदर जब एक टेस्ट हुआ था टेस्ट के अंदर ये पर्सन उस समय एक रिपोर्ट निकली थी उस टेस्ट के अंदर अभी भी मेरे को याद है करंट की क्रोनोलॉजी का टेस्ट हुआ करता था। उसमें एक पहले तो एक था मैं जो पढ़ रहा था मेरे को अभी भी याद है 2020 में भारत की जनसंख्या थी 135 करोड़। क्योंकि टेस्ट सीरीज में पर्सन दिया था भी वर्तमान में एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी 135 करोड़। अच्छा इसके साथ में एक आंकड़ा और था नोट करके लिखा गया था भी इस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जाता भी 2027 तक भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होगी। 2027 तक अभी भी मेरे को सन याद पड़े उस रिपोर्ट ने 2027 बताया था 2020 के अंदर बहुत जल्दी यानी कि 2023 के अंदर ही अपने टॉप कर गए। सबसे बड़ी समस्या ये कम कुछ नहीं है जो अच्छा नहीं लगे उसको ख़त्म करो। क्या? जो अच्छा नहीं लगे उसको बस ख़त्म करो। अच्छा काहे का बढ़िया था। अच्छा चले दोबारा समझ रहे एक बार। हिमालय से निकलने वाली ऊपर से जो नदियां वो पढ़ लेंगे सारी यानी कि यहाँ का जो हिमालय यहाँ से जो नदियाँ निकलती है सारी यहाँ की नदियाँ कवर हो जाएगी। इसके बाद प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ पड़ती है ये सारी कवर हो जाएगी इसके अंदर कवर हो जाएगी। और जो ऐसी नदियाँ जो कि स्थलीय भाग से शुरू होती है स्थलीय भाग के अंदर ही विलुप्त हो जाती है वो इस नदियों में कवर हो जाएगा।
और ये तीनों जब कंप्लीट कर लेंगे आपको भारत की नदियाँ सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, लगा लो भाई हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और हिमालय से ही कौन से भाग से निकलेगी, हिमालय के कौन से भाग से निकलेगी, हिमालय से निकलने वाली नदियां दो बातें लिख देती हैं यहाँ पे। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारतीय सीमा पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई अधिक होने पर यहाँ अनेक हिमनद यानी कि बर्फ के पहाड़, हिमनद ग्लेशियर पाए जाते हैं, अनेक हिमनद पाए जाते हैं। जिनके पिघलने से विभिन्न नदियों का निर्माण होता है, उत्तर भारत की यह नदियां अपने साथ विभिन्न तंत्र का निर्माण भी करती है, यानी कि साथ में तो खुद बहती है, साथ में अपनी सहायक नदियों को साथ में मिलाती है, तो उसको तंत्र बोलती है, तंत्र का निर्माण भी करती है। इस प्रदेश के तंत्र निम्न है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र
नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हो गया। हो गया होगा। अरे आपने उतार लिया। उतार लिया क्या? अभी तक कितना लिख लिया? एक पेज लिख लिया? हाँ, एक प्रश्न भी नहीं बनेगा यहाँ से, ठीक है? एक प्रश्न भी नहीं, रत्ती भर भी प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ से। अरे उतार लिया होगा। उतार लिया क्या? अरे आवाज़ नहीं जा रही क्या आपके पास? आवाज़ नहीं जा रही क्या आपके पास में? आप बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा सर, लाइट नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई आप सुनोगे कैसे? आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो बात है, गुंगों को पढ़ाना पड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रही है। चलो उतार लिया होगा इतना। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, देखो नदी तंत्र और सिंधु में, इसमें नदी के अंदर फर्क होता है। क्या फर्क होता है कोई बताएगा? अगर मैं अकेली एक बार सिंधु की करता तो फर्क होता। ये सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहा हूँ। सिंधु नदी तंत्र उसे कहा जाता है जिसमें सिंधु व उसकी सहायक नदियों को पढ़ा जाता है। साथ में सिंधु को भी पढ़ेंगे, ऐसे सिंधु को भी नदी को पढ़ेंगे। सिंधु नदी हो गया, इसकी सहायक नदियाँ, अनेक प्रकार की सहायक नदियाँ चाहे कोई भी मिलती हो, पूरी नदी तंत्र को पढ़ना ही सिंधु नदी तंत्र कहलाता है। तो आपको लगता होगा सिंधु नदी तंत्र नाम लिखा है, सिंधु अकेली नहीं पढ़ेंगे, साथ में तो यहाँ पे सिंधु नदी को पढ़ेंगे। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, वो सभी के सभी इसके अंदर पढ़ लेंगे। और जैसे ही वो पूरा कवर कर लेंगे, आपका सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। गंगा नदी तंत्र की बात करता हूँ। एक तो ना ये लेके बैठेगी। गंगा नदी तंत्र की बात करता हूँ, साथ में तो गंगा नदी को पढ़ेंगे, साथ में इसकी सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन, इतनी सारी इसकी सहायक नदियाँ, इसको पढ़ लेंगे। फिर ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र के बारे में मानस, धनसिरी, सुबनसिरी, कालासिरी, ब्राक, उसके दिबांग, लोहित, इतनी सारी नदियाँ पढ़ लेंगे तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। इसके अकेली नदी को नहीं पढ़ेंगे, सिंधु के साथ में पढ़ने, इसकी जो सहायक नदियाँ होती है इन सभी का अध्ययन ही सिंधु नदी तंत्र कहलाता है, ठीक है? तो इसके अंदर दो बातें लिखते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं।
लिखना, सिंधु वह उसकी प्रमुख सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र में शामिल किया जाता है। जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि। सिंधु व उसकी प्रमुख सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र में शामिल किया जाता है, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि। यहां से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न क्या बनेगा, सिंधु नदी तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है, या फिर इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है। अब इसकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां पड़ती है, सहायक इसकी और भी बहुत है, जास्कर, हुंजा, गिलगिट, कारबुल, खुर्रम, लेकिन ये पाकिस्तान के साइड से मिलती है, अफगानिस्तान की साइड से मिलती है, तो अपना कोई नहीं मतलब इसका, दूसरे देश में अपने वाले कैसे भी फिरे अपने कोई मतलब नहीं है, अपने भारत में इसकी क्या कंडीशन है वो काम की है, ठीक है। ये भारत में इसके साथ मिलती है, एक बार वापस देख लेना पीछे का, ये आपको मैंने पहले बता दिया, ये डायग्राम ऐसे पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हिमालय से निकलने वाला तंत्र पढ़ना शुरू किया था, हिमालय से ब्रह्मपुत्र इसको सिंधु नदी तंत्र को सबसे पहले उठाया था, सिंधु के अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि सिंधु के अंदर मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र को उठाया, इसके अंदर कौन कौन सी नदियां, यानी कि सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज है। अब सिंधु नदी तंत्र का तप आपका पूरा हो जाएगा जब अपने सिंधु को पढ़ेंगे, झेलम को पढ़ेंगे, चिनाब को, रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों को जब अपने पढ़ लेंगे तो आपका कौन सा नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार गंगा को कवर करेंगे, इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र को, और जैसे ये तीनों नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएंगे आपका हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वैसे नदियों का कोई अंत नहीं है क्योंकि भारत में लगभग 1500 से 2000 के मध्य नदियाँ हैं, पेपर में इतनी नहीं पढ़नी, अपने को 25-30 नदियाँ पढ़नी है सिर्फ, ठीक है, पेपर के हिसाब से। अभी उतार लिया होगा सभी ने, ठीक है। अब एक हेडिंग लगाते हैं, सबसे पहले सिंधु नदी की, जिस नदी को पढ़ेंगे उसका नाम है सिंधु नदी। और डायग्राम बना लेना भाई मेरे साथ साथ,
बाहर चला जाऊं। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। नदी का नाम सिंधु नदी है और इस नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम मानसरोवर झील के निकट। बोखर चो हिमनद। मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनस इस नदी का उद्गम होता है। ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी, सॉरी दिख नहीं रहा, दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं। लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी, इसके मध्य से बहती है। लद्दाख व जास्कर के मध्य से बहती है। लद्दाख की राजधानी लेह इसी के ऊपर पड़ती है। लद्दाख की राजधानी लेह इसी के ऊपर पड़ती है। लद्दाख में इसके ऊपर एक परियोजना है, निम्बू बाजगो परियोजना। निम्बू बाजगो परियोजना उद्गम इसका मानसरोवर झील के निकट से बोखरचू हिमनद से होता है। बोखरचू हिमनद एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, बोखरचू हिमनद। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है। लेह राजधानी इसी के ऊपर पड़ती है। लद्दाख की राजधानी लेह इसी के ऊपर पड़ती है। निम्बू बाजगो परियोजना इसी के ऊपर है लद्दाख के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान का जो कराची नगर है, लाहौर की राजधानी करांची, करांची नगर, अच्छा, और अरब सागर के नज़दीक अपना डेल्टा बनाती है। अरब सागर के अंदर डेल्टा। अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर। और भारत में बात करता हूँ तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है।
सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 और 1114 भारत में, हाँ भारत में प्रवेश करती है तमचोक नामक स्थान से। भारत में प्रवेश दमचोक, हाँ जी दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती करती है ये। क्या बाहर गिलगिट नामक स्थान पड़ता है, कोई खास नहीं है। बना लिया होगा। चार ही बातें हैं, सिंधु नदी का उद्गम चीन से मानसरोवर झील के निकट बोकरचू हिमनद से होता है और उसके बाद में चीन में बहते हुए भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश कर जाती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है। लद्दाख की राजधानी लेह इसी के ऊपर स्थित है और इसके ऊपर जम्मू कश्मीर, इसके लद्दाख के अंदर निम्बू बाजगो परियोजना है। टोटल लंबाई 2880 है, भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। पाकिस्तान का कराची नगर इसी के ऊपर पड़ता है। अरब सागर के जाकर अपना क्या बना देती है, डेल्टा बना देती है। ये आपकी कौन सी नदी है, सिंधु नदी। अब इसके ऊपर चार बातें लिख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम चीन में, मानसरोवर झील के निकट बोकरचू हिमनद से होता है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचोक नामक स्थान नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख व जास्कर श्रेणी से होकर बहती है। सिंधु नदी पर लद्दाख की राजधानी ले व लद्दाख में निम्बू बाजगो
परियोजना। निर्माणाधीन है। निम्बू बाज को प्रयोजन निर्माणाधीन है। हो गया, इनको संभाल लें एक बार। अरे आवाज आ रही है क्या? अभी उतार लिया? ठीक है, अच्छा हो गया। इतना निर्माणाधीन है। अगला पॉइंट, सिंधु नदी पर पाक का क्रांति नगर स्थित है तथा तथा पाकिस्तान में अरब सागर के नजदीक अपना डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर वह भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु की सहायक नदियां जास्कर, नुब्रा, हुंजा, नुब्रा, होंजा, गिलगिट, खुर्रम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, बस सतलज, अध्ययन जी, गिलगिट। गेट खोलना ही। कर लिया।
उतार लिया होगा, सुन लेना अभी दोबारा। एक बार दिमाग में आपके ये सिस्टम छप गया तो नदियाँ बहुत आसान है, वरना नदियों का कोई अंत नहीं है। आप पता नहीं कहाँ से पढ़ना शुरू करते हो, ये आपको भी पता नहीं है। और नदियाँ का अगर वैसे सिस्टम से कहीं से पढ़ना शुरू करते तो एंड होने को ही नहीं आता, वे एंड कहाँ पे करेंगे, बहुत ज़्यादा नदियाँ। नदियों का सबसे अच्छा तरीका इसी सिस्टम से पढ़ा जाता है। हिमालय में सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था, तीन तंत्र के रूप में बांटा था, जिसमें सिंधु नदी तंत्र को पढ़ना शुरू किया। अच्छा, सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको मैंने सबसे पहले लिखवा दिया, इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख आती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन सभी नदियों को मिला के कौन सा तंत्र बना, सिंधु नदी तंत्र बना। एक एक नदियों को पढ़ना शुरू किया, सिंधु नदी को पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोकरचु हिमनद से होता है, प्रवेश दमचोक नामक स्थान से करती है, लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती है, लेह राजधानी इसी के ऊपर, निम्बू बाजगो परियोजना 2800 से टोटल लंबाई 1114 भारत में बहती है, क्रांति नगर इसी के ऊपर अरब सागर में जाकर अपना डेल्टा बनाती है। उसके बाद में इसकी कुछ सहायक नदियां थी, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, खुर्रम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये जब कवर कर लेते तो आपकी कौन सी नदी कम्प्लीट हो जाती है, सिंधु नदी कम्प्लीट हो जाती है। नदी एक बार सिंधु कम्प्लीट हो गया, कोई तंत्र कम्प्लीट नहीं हुआ, तंत्र इतना बहुत बड़ा है। सिंधु के बाद दूसरी नदी कौन सी है, झेलम, चिनाब, तो सबसे पहले चिनाब नदी को करेंगे, उसके बाद में आपकी सारी नदी उसी के साथ अटैच होगी, यानी कि सिंधु के साथ में। इस प्रकार सिंधु गई थी, ये सिंधु थी, सिंधु के अंदर जाके मिलेगी चिनाब, सिंधु के अंदर जाके चिनाब मिलेगी, ऊपर से झेलम चिनाब के अंदर मिलेगी, रावी इसी के अंदर मिलेगी, व्यास इसी के अंदर मिलेगी, सतलज इसी के अंदर मिलेगी। यानी कि सिंधु के अंदर तो एक ही नदी मिलेगी, चिनाब नदी, बाकी सारी किस्में मिलती है चिनाब के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले अपने को चिनाब करनी पड़ेगी अभी, ठीक है, हेडिंग लगा लो चिनाब नदी। क्या बस कहाँ पे टाइम ही नहीं आज तो 144 बहुत कहाँ पे है। अरे आप भी थक गए क्या? अच्छा, आज करें फिर कल करें? अब अरे आपका टाइम कितने बजे होता है अभी? कितना टाइम रह गया? 15-16 मिनट। बे कितने बजे बंद कर लेते हो आप? अरे 10 मिनट की नदी या कर लेते हैं। ऐसे आपका सिलेबस पूरा होने को नहीं आएगा। अरे 2 मिनट की नदी है। ये नदी कौन सी थी? ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, दर्रे का नाम है बारालापचा दर्रा, बारालापचा दर्रा। इसी दर्रे से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम है चिनाब नदी।
इस तरह से दो नदी का उद्गम होता है, एक नदी का नाम है चंद्र और दूसरी का नाम है भागा। चंद्र इसका नाम है भागा। दोनों आपस में मिलकर नदी का निर्माण करते हैं, उस नदी का नाम है चिनाब नदी। यानी कि सिंपल सी बात है, चिनाब नदी चंद्र व भागा नदियों के मिलने से बनती है। हिमाचल प्रदेश में उद्गम होता है, बारलाचा दर्रे से उद्गम होता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में इसके ऊपर तीन परियोजना है, जम्मू कश्मीर में इसके ऊपर तीन परियोजनाएं, लास्ट में ये सिंधु के अंदर मिल जाएगी। तीन परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार सलाल। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, और लास्ट में पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर, मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के पारलाप्ता तरह से चंद्र व भागा नदियों के मिलने से होता है। हिमाचल में बहने के पश्चात जम्मू कश्मीर में जाती है। तीन परियोजना इसके ऊपर, दलहस्ती सलाल व बगलिहर परियोजना, और लास्ट में जम्मू कश्मीर में बहने के पश्चात पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये आपकी नदी होती है चिनाब नदी। लिख लिया तो मैं बना लिया तो लिखवा देता हूँ चार बातें। उतार लिया होगा। हाँ जी, दुलहस्ती, दुलहस्ती सलाल बगलिहार। नहीं तो बस ये साथ साथ कवर हो जाएगी आपकी, सारी बांध बुंद सारी यहीं पे कवर करवा दूंगा। बिल्कुल, कई का टॉपिक अलग से पढ़ना, क्यों पढ़ने पड़ेंगे? जहाँ पे नदियाँ आती है वहाँ पे परियोजना लगती है। हाँ, जहाँ पे नदियाँ हैं तो परियोजना कन्फर्म वहाँ पे लगेगी, इसलिए नदियाँ परियोजना हमेशा साथ पड़ी जाती है। हाँ, बांध बूंद सारे इंपॉर्टेंट बांध जो अपने पेपर में पूछे जाएंगे सारे यहीं से करवा दूंगा, झरने यहीं पे करवा दूंगा सारे के सारे यहीं पे, और जिले भी यहीं पे करवा दूंगा। सारा टॉपिक है नदियों में हो जाएगा। हाँ, क्या? मिठानकोट, मिठानकोट हो गया होगा। अच्छा,
चिनाब नदी का उद्गम? हिमाचल प्रदेश के? अच्छा, बरलापचा दर्रे। से चंद्र वह भागा नदियों के मिलने से होता है। चेनाब नदी हिमाचल व जम्मू में बहने के पश्चात पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में तीन प्रमुख परियोजना है। जैसे सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना। चिनाब नदी सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। लो जी, सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी है ये। आपकी सिंधु नदी कंप्लीट होती है और कौन सी? जे चिनाब नदी कंप्लीट होती है। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को तो अभी कोई इलाज नहीं है, अगर होगा तो अभी कोई इलाज नहीं है।
क्या चीज़ है? अच्छा, एक उस क्लास में हो गया था। देखो भाई, टाइम थोड़ा सा लगेगा इसके अंदर, पहले बता देता हूँ। नदियाँ, लेकिन एक बार मैं ऐसे ही करवा दूंगा, ज़िंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, पढ़ने की जरूरत है, लेकिन किसी और से टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसी नदियाँ करवा दूंगा आपको मैं, एक एक नदी का डायग्राम आपको कहीं पे कैसे भी पढ़ा होगा भी, डायग्राम किसी मैप के ऊपर करवाया जाता होगा, लेकिन आपको मैं किसी मैप के ऊपर नहीं करवाने वाला। आपको खुद से अपने राज्य बनाएंगे और खुद से बनाएंगे, मज़ा उसी के अंदर आता है। खुद से बनाते उसी के अंदर मज़ा आता है, वरना मैं आपको बोल दूंगा राजस्थान के भारत के 4-5 मैप ले आना, उसके ऊपर नदियाँ करें, ना तो आपको कुछ समझाने वाला उसके अंदर, ना कुछ और कचरा होने वाला ऐसे ही। इसे अपना खुद से मैप बनाया करें और खुद से किया करेंगे, ठीक है? अरे, आपको समझ आ गया? ठीक है, कुछ है डाउट अभी कुछ? करो करो सर, टाइप करो, वेट आपका। अच्छा, गुड सर। सर तो कहे कि गुड है बस। अरे बस बस, मैं छत पे चढ़ जाऊंगा अभी, ठीक है? चलो फिर कल मिलते हैं अपने। ओके।